देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के नैनीताल में राज्य सरकार के अनदेखे से नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए संघर्ष बैनर समिति बनाकर आगामी चुनाव में वोट नहीं करने का मन बनाया है। आपको बता दें कि नैनीताल में ओखलकांडा ब्लॉक के कुकना में ग्रामीणों ने राज्य सरकार के अनदेखे के खिलाफ आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने गांव में संघर्ष बैनर समिति के तहत राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार की स्वीकृत योजना को वर्तमान सरकार अनदेखी कर रही है। ग्रामीण इसी कारण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत देना मार्ग कचला कोटा कैड गाँव मार्ग सहित गाँव को जोड़ने वाले पुल, स्कूल का उच्चारण और झील का निर्माण अभी तक शुरू ही नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि यह गांव अभी विकास से कोसों दूर है, जबकि वर्तमान विधायक का गांव भी यही है। पूरा क्षेत्र विकास के नाम पर अभी भी अधूरा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण इस बार लोकसभा चुनाव में बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब यहां पर कुछ विकास ही नहीं हुआ है तो वह क्यों अपने मत का प्रयोग करें। बड़ा दुख होता है जब हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। बड़ी शर्मिंदा महसूस होती है कि हम लधिया घाटी खुकना कैड़ा गांव धैना के रहने वाले हैं, जहाँ रोड नहीं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा के नाम पर इंटर कॉलेज नहीं, हाई स्कूल में स्टाफ की कमी, लधिया नदियों में पुल नहीं, और जहां मोटर मार्गों की बात है, पूर्व हरीश राउत जी की सरकार ने कचला कोट पड़ाला कैड़ा गांव रीटा साहिब मोटर मार्ग 9 किलोमीटर स्वीकृत किया था। वर्तमान की सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। कुकना में स्वास्थ्य केंद्र की मांग थी, वह भी हरीश रावत जी की सरकार ने स्वीकृत की थी। नौलिया गांव कुकना पेयजल योजना, उसको भी स्वीकृत किया था, वह भी आज तक धरातल में अभी तक नहीं उतरी है। लधिया नदी में जलाशय, लधिया नदी इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी नदी है, इसमें एक जलाशय बनाने की बात हुई थी, जिसमें हरीश रावत जी ने स्वीकृति दी थी, अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लधिया नदी में पड़ायल एवं बेडली के बीच झूला पुल, जो हरीश रावत जी की सरकार ने टोकन मनी और जीओ भी जारी किया हुआ है, वर्तमान सरकार ने बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए आंखें बंद कर दी गई हैं। हालांकि इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी आवाज़ को हमेशा इन मांगों को लेकर आगे किया है, जो अच्छी तरह सारे मीडिया से लेकर के सभी लोग अच्छे से जानते हैं, सभी को मालूम है यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं हैं। वर्तमान विधायक हमारे इसी क्षेत्र से हैं, जब वो हाईस्कूल कड़ा गाँव में आए थे, टोकन मनी से लेकर के जीओ के सारी प्रतिलिपियां, सारी कॉपियां हमने उन्हें सौंपी थी, और हमने कहा था विधायक जी आप इनको आगे करने का काम करें और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं इनसे निजात दिलाने का काम करें। अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पहल नहीं की गई है। राज्य सरकार आज आंख बंद करे हुए बैठी है। सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस क्षेत्र के लोगों ने सभी ने ठान रखी है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो भाजपा के पूर्व में सांसद रहे थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने कभी इस क्षेत्र में एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। विकास कैसे होगा, लोग वोट पाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोग मदद करें इस क्षेत्र के हित के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के समस्त मूलभूत सुविधाओं के लिए आप
मदद करने की कृपा करें। जहां राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार को कई पत्र लिखे गए। इनका जो मुख्यमंत्री ऐप है, ऐप में भी कई बार हमने उसमें शिकायतें लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकाश पंजी का ऐप है, उसमें शिकायतें लिखी, उन्होंने भी कोई गौर करने का काम नहीं किया। आज स्थिति जैसी की तैसी पड़ी है, न विधायक जी इस क्षेत्र के लिए कोई काम कर रहे हैं, न ही सांसद जी ने किया। अब सामने चुनाव आ रहा है, क्षेत्र के लोगों ने, सभी ने मन बना रखा है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।